गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज रिप्लाई मी. यस गुड मॉर्निंग मैम. यस गुड मॉर्निंग. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. जो हमारा पेंडिंग रिवीजन रहती थी चैप्टर नंबर 10 की, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो स्टार्ट करते हैं. आगे आगे ओके बेटा, तो हम यहाँ से कर रहे थे, यहाँ तक हमारी रिवीजन हो गई थी. आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स की पिक्चर देखो, इसमें रेड ब्लड सेल्स शो किए गए हैं कि ब्लड वेसल इस तरह से है, ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर है जो ब्लड को कैरी करती है सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स के थ्रू, है ना. जो ब्लड रीच इन ऑक्सीजन रीच हर्ट फर्स्ट फ्रॉम लंग्स एंड देन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स. ब्लड जिसके पास जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो हर्ट तक पहुंचता है पहले लंग्स से, एंड फिर लंग्स के द्वारा वो बाकी बॉडी के सेल्स को मिल जाता है बाय ब्लड वेसल्स. और जो ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, वो भी पहले हर्ट के पास जाता है, उसके बाद वो हर्ट से लंग्स के पास जाता है रिमूव होने के लिए. उसके बाद ये भी हमने कर लिया था ऑलरेडी कि आर्टरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, बाल क्या होते हैं. आफ्टर दैट कैपिलरीज भी कर लिया था कि आर्टरीज जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं फर्दर. जैसे देखो आईज के अंदर हमारी आर्टरीज जो है कैपिलरी में डिवाइड हो रही है. ये क्या है, हमारी कैपिलरीज है ये, जो काफी सारी ब्रांचेज शो होती है. उसके बाद थ्रॉबिंग का मीनिंग आपको क्लास में भी आपने किया है. थ्रॉबिंग का मतलब था बीट करना, जैसे पल्स रेट है जिस तरह से थ्रॉबिंग बीट हो रहा है ना, पल्स हमारी जो बीट करती है. और कहीं कहीं पर आर्टरीज जो है जो स्किन के क्लोज है वहां, जैसे हमारी नेक के पास होती है ना, और रिस्ट पे होती है, तो वो थ्रॉब करती है, वो हमें फील कर सकते हैं उसको, बिकॉज वो वाली आर्टरीज जो है वो स्किन के ज्यादा क्लोज है. वो भी किसकी वजह से होता है, ब्लड फ्लो की वजह से. जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ब्लड का एक प्रेशर है, उसकी वजह से कई बार कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड कई बार रिलैक्सेशन होती है, तो इसी को हम थ्रॉबिंग बोलते हैं. पल्स को हम फील कर सकते हैं मिडल और इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट, रिस्ट के ऊपर रख कर. और पल्स जो है यूजली हमारी हार्ट बीट होती है. नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हार्ट बीट 12 मिनट में टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स बीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं. पल्स रेट जो है नॉर्मल रेस्ट, अगर कोई पर्सन रेस्ट पोजीशन पे है, तो 72 टू 80 बीट्स पर मिनट हमारी पल्स रेट जो है वो होता है. वी हैव डन दिस इन डिटेल इन क्लास ऑलरेडी. नाउ हार्ट पे आ जाओ. देखो हार्ट क्या है, हार्ट के मेन मेन पॉइंट्स और हार्ट वर्क कैसे करता है. हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गेन भी बोलते हैं. हार्ट कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है ब्लड को पंप करने के लिए. ये चेस्ट की कैविटी में, चेस्ट में जो होलो स्पेस है उसमें होता है. जो लोअर एंड होता है हार्ट का, वो स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्ट हुआ होता है. और ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हार्ट के फोर चैम्बर होते हैं. ठीक है, फोर चैम्बर कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो एट्रियम वर्ड है इसको हम ओरिकल भी बोलते हैं. आपकी बुक में ओरिकल लिखा हुआ है ना, यू कैन यूज ओरिकल और एट्रियम, इन दोनों में से कोई भी वन वर्ड आप यूज कर सकते हो. और जो चैम्बर्स के बीच जो पार्टीशन है, वाल्व लगे हुए हैं, वो किसमें हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, के ब्लड मिक्स ना हो उसको अवॉइड करने में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे, देखो हार्ट की पिक्चर देखते हैं.
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो लेफ्ट एंट्री है, जो जो रेड कलर का ब्लड है वो सारा ऑक्सीजनेटेड है, वो प्योर ब्लड है। जो ब्लू है वो इम्प्योर है, उसके पास रिच कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसके पास रेड वाले के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है, उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसी तरह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से एंटर करता है यहाँ से, एंड फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और उसके बाद वो बाकी सारा प्योर होने के लिए लंग्स के पास चला जाता है, लंग्स उसको प्योरीफाई करती हैं, फिर वो दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को मिलता है। इस तरह से ये ब्लड का ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो होती रहती है, और ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है वो एक पंप की तरह वर्क करता रहता है। अब हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट वी हैव ऑलरेडी डन के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है जो हार्ट मसल की, उसी से हार्ट बीट बनती है ना, वो पल्स है एक तरह की। डॉक्टर्स हार्ट बीट को कैसे चेक करते हैं, एक डिवाइस की हेल्प से। उस डिवाइस का नेम बता सकते हो मुझे, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिवाइस नेम जिसके साथ हार्ट बीट को डॉक्टर चेक करते हैं? यस अभिरीत मैम, स्टेथोस्कोप। यस स्टेथोस्कोप। यस, उस स्टेथोस्कोप के साथ डॉक्टर्स हार्ट बीट को चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप में क्या क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है, टू ईयर पीसेस होते हैं, वन ट्यूब होती है जो पार्ट्स को ज्वाइन कर रही होती है। स्टेथोस्कोप क्या करता है, जब हम उसको हार्ट पे लगाकर अगर सुनते हैं तो वो एम्पलीस में बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, वो एम्पलीफाई कर देता है हार्ट की साउंड को। जैसे नॉर्मल अगर हम हैंड के साथ फील करें तो वो बहुत स्लो स्लो हमें फील होती है, लेकिन अगर स्टेथोस्कोप के साथ हम हार्ट बीट को चेक करेंगे तो स्टेथोस्कोप का काम ही ये है कि वो हार्ट की साउंड को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सक्रीशन वाला पार्ट आ गया, उसके बाद एक्सक्रीशन का क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है मुझे? What is the meaning of excretion? Excretion का क्या मीनिंग है? प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। हाँ, वो वाला प्रोसेस जिसमें जो भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स और एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन सभी पार्ट्स का पूरा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज क्या है, टू किडनीज है ह्यूमन बॉडी में, जो बीन शेप का ऑर्गेन है। ब्लड क्या होता है, जो ब्लड जब ब्लड किडनी के अंदर रीच करता है, पहुंचता है, तो उसके पास दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल भी एंड यूजफुल भी। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और फिर वो यूराइन फॉर्म करते हैं, और यूराइन की फॉर्म में हमारी बॉडी से वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है कि ब्लड जो है जब वो किडनी तक पहुंचता है, उसके पास दोनों सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल भी एंड यूजफुल भी। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्टेज होती है वो सारा वाटर में डिजॉल्व होकर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो यही किडनीज का फंक्शन है। यूरेटर क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो यूराइन पास करते हैं किडनी से लेकर
यूरिनरी ब्लैडर तक. यूरिनरी ब्लैडर क्या है? द यूराइन पासिस फ्रॉम द किडनी टू द यूराइन ब्लैडर इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर. ब्लैडर के अंदर जो यूराइन है जो पास हुआ है किडनी से वो क्या रहता है? स्टोर रहता है. ये देखो ये वाली पिक्चर आपने नोटबुक पे भी ड्रॉ की थी कि टू किडनीज है ये क्या है? यूरिटर्स है. ये नीचे क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है. ठीक है. उसके बाद यूरिथ्रा मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग अ स्मॉल यूरिनरी ओपनिंग. ये मस्कुलर ट्यूब जो है जिसमें स्मॉल ओपनिंग होती है उसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं. इसके थ्रू क्या होता है? यूराइन पास हो जाता है और बॉडी से रिमूव हो जाता है. बस यही फंक्शन है एक्सक्रेटरी सिस्टम का. और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्वेट के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, है ना. इसीलिए बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है हमारे लिए. ये भी हमने चैप्टर में पूरा डिटेल में किया हुआ है. ठीक है. तो इसमें क्या है? जो किडनीज है, किडनी के पास जैसे ही ब्लड पहुंचा, जो प्योर ब्लड होगा, जो सही होगा, जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, उनको किडनी अब्सॉर्ब करके बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर देगी. और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सारे यूरिथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूराइन, बिकॉज वो सारे वाटर में डिजॉल्व होके यूराइन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं. ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सबको? यस मैम. है ना. उसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन किया था के प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. वो तो ह्यूमन बॉडी की ट्रांसपोर्टेशन थी. ह्यूमन बॉडी में दो चीजें थी हमने. एक तो ब्लड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ना, यूजफुल सब्सटेंसेस सर्कुलेटरी सिस्टम. एक एक्सक्रेटरी सिस्टम किया कि किस तरह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव होते हैं. अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर अब्सॉर्ब करते हैं और मिनरल्स भी अब्सॉर्ब करते हैं. कैसे अब्सॉर्ब करते हैं? फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ. तो दो प्रोसेस हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन के. एक तो फोटोसिंथेसिस वाला. लीफ क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लीफ टू रूट हेयर होती है. और जो वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन है वो ओपोजिट है. वो रूट के हेयर से लेकर लीफ तक पहुंचती है. सबसे पहले वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉइल के अंदर है वो सारे प्लांट्स के रूट हेयर अब्सॉर्ब करेंगे. फिर वो रूट तक पहुंचेंगे. रूट के बाद स्टेम तक, फिर ब्रांचेस को, ब्रांचेस के बाद लीफ को. इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है. इस तरह से प्लांट जो है उसकी बॉडी ग्रोथ करती है. ठीक है. अब देखो लीव क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं फूड प्लांट्स के लिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके. अब फूड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल द पार्ट्स एंड सेल्स ऑफ द प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. तो अब जितना ज्यादा प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया में फैले होते हैं, है ना. जितने ज्यादा देखो प्लांट्स हैव रूट हेयर्स इन रूट्स फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रूट. सरफेस एरिया इज इंक्रीज टू अब्सॉर्ब मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जितने ज्यादा एरिया में प्लांट्स के जो रूट्स हैं फैले हुए होंगे उतना वो ज्यादा वाटर एंड ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है. स्पेशल सेल्स एंड टू टाइप के प्लांट्स के पास जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है. कौन कौन से सेल्स? वैस्कुलर टिश्यू सेल टू टाइप के. बता सकते हो क्या नेम है उनके? इन दोनों में से एक का काम तो क्या होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना. दूसरे का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना. बताओ कौन सा फूड के लिए यूज होता है और कौन सा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए? मास खाते हैं. पशु
ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स जो वैस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करते हैं, जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को टू ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करता है, उनको हम बोलते हैं टू वैस्कुलर टिश्यू। टू टाइप्स के वैस्कुलर टिश्यू है, वन इज एक्साइलम। एक्साइलम क्या है? द एक्साइलम वेसल्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स विद रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट थ्रू विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो एक्साइलम क्या है? कॉन्टिन्यूस नेटवर्क फॉर्म करती है रूट्स और स्टेम और लीव्स और ब्रांचेस, सभी एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड है, तो इसी के थ्रू वाटर क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय फ्लोइंग। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक्साइलम के द्वारा। बट फूड ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है ट्री से, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर टॉप की तरफ, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो फूड जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोइंग टाइप के सेल्स है जो फ्लोइंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसके बाद हमने स्टडी किया था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, प्लांट्स के लीव से वाटर का रिलीज हो जाना, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाना, वाटर वेपर बन जाना, उसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये क्यों होती है? बिकॉज प्लांट्स जो है जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइलम लीव तक ऊपर ट्रांसपोर्ट भी कर देता है एक्साइलम टाइप का वैस्कुलर टिश्यू, बट वो बहुत ज्यादा होता है, जो वाटर प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं उतना तो प्लांट्स को चाहिए भी नहीं, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो सारा लीफ जो है, लीफ में क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा क्या करता है? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है जो प्लांट को नहीं चाहिए, अनयूज्ड वाटर है, वो सारे को इवेपोरेट कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन की देखो एडवांटेज क्या है? ये प्लांट्स को कूल रखती है, जनरेट सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स बाय एक्साइलम इन वेरी टॉल प्लांट्स। ये सक्शन पुल जनरेट करती हैं जो क्या कर सकता है? वाटर को खींच लेता है ग्रेट हाइट्स तक, है ना, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, तो उसी को हम सक्शन पुल बोलते हैं, जिसके थ्रू वाटर जो है पूरी अबव ऊपर की हाइट तक एक्साइलम के द्वारा पुल कर लिया जाता है वेरी टॉल प्लांट्स में। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू होती है? लीफ के स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या है? लीफ के नीचे का पार्ट जिसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, और उसके थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अभी बताओ बेटा, क्लियर है सभी को? पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। ओके, तो कल को मैम यस बेटा, जो ओप्पो है आप अपना नेम चेंज करो, जो रियल नेम है वो लिखो, अटेंडेंस लगती है आपकी। कल को आपका बुक वर्क का और कीवर्ड्स का टेस्ट है। ठीक है, ओके मैम। ओके, कल सभी लर्न करके आओगे, आपका ओरल टेस्ट होगा कीवर्ड्स का एंड बुक वर्क का। मैम ओके, ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।